नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूँ आपका यूवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ पर जाकर के पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप हमारा जो नंबर है 8750 77650 उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके पुरानी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग या फिर आईपीएल कब से शुरू कराने का फैसला किया गया है। ऑप्शन ए है 1 सितंबर 2020, बी है 19 सितंबर 2020, सी है 1 अक्टूबर 2020 और डी है 1 नवंबर 2020। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 19 सितंबर 2020। देखिए, आईपीएल के जो चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल ने इस बात की क्या है पुष्टि की है कि इस वर्ष आईपीएल 19 सितंबर से संयुक्त अरब इमीरात या फिर यूएई में होगा और इसका फाइनल मैच जो है वो 8 नवंबर को खेला जाएगा और यह आईपीएल कुल 51 दिन तक खेला जाएगा और आईपीएल संपन्न कराने के लिए यूएई में 3 मैदान उपलब्ध होंगे जो हैं शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दुबई में और शारजाह मैदान शारजाह में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण कौन सी फार्मूला वन रेस को रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है कनाडा, सी है अमेरिका, डी है मैक्सिको और ई है उपरोक्त सभी। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ई जो है उपरोक्त सभी, मतलब ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इन सभी को रद्द कर दिया गया है। देखिए, फार्मूला वन ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होने वाली रेस को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है, लेकिन कैलेंडर में 3 नई रेस भी जोड़ी गई हैं और 3 नई रेस जुड़ने के बाद इस सत्र की कुल रेस की संख्या 13 हो गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन ए है नृत्य, बी है पत्रकारिता, सी है इतिहासकार और डी है फिल्म जगत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है नृत्य। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से उद्योग समूह ने हैदराबाद में स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है टाटा समूह, बी है बिरला समूह, सी है गोदरेज समूह और डी है महिंद्रा समूह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है महिंद्रा समूह। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिंद्रा समूह ने हैदराबाद में स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय खोला है और 130 एकड़ क्षेत्र में फैला यह विश्वविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा और महिंद्रा समूह के चेयरमैन जो हैं आनंद महिंद्रा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमेरिका की एक्सन मोबिल को पीछे करते हुए दुनिया की कौन से नंबर की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। ऑप्शन ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है दूसरी। देखिए, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही है और घरेलू शेयर बाजारों में रिलायंस का जो बाजार पूंजीकरण बढ़कर 14.14 लाख करोड़ रुपए जा पहुंचा है और इसके दम पर रिलायंस अमेरिका की एक्सन मोबाइल को पीछे छोड़कर या फिर पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है और वहीं क्या है, वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों के मामले में भी 2 पायदान चढ़कर 46वें स्थान पर आ गई है और इससे पहले क्या है कि वह 48वें पायदान पर थी और कंपनी इसी सप्ताह दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल हुई थी। देखिए, एनर्जी कंपनियों के मामले में रिलायंस के आगे जो है अब दुनिया भर में सिर्फ एक कंपनी बची है जो है सऊदी अरामको, और हालांकि सऊदी अरामको को अरामको ही क्या है दुनिया की सबसे मूल्यवान एनर्जी कंपनी भी है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में मोबाइल फोन बनाने वाली अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है एप्पल इंक ने क्या है भारत में कौन से मोबाइल सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। ऑप्शन ए है iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11 या iPhone 8। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है iPhone 11 या फिर iPhone 11। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एप्पल ने भारत में iPhone 11 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है और इसे कंपनी के सप्लायर फॉक्सकॉन द्वारा चेन्नई स्थित उसके संयंत्र में असेंबल किया जा रहा है और कंपनी का यह कदम जो है वो मेक इन इंडिया पहल को क्या है बड़ी मजबूती देगा क्योंकि एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और अगर वही भारत में अपना आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो बाकी जो कंपनीज हैं उन्हें भी इससे आगे आने की जो है वो एक तरह से सीख भी मिलेगी और कंपनियां क्या है कि भारत में आकर के ही भारत में ही ये सारे प्रोडक्ट्स अपने बनाने शुरू करेंगी। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 25वां पर्यवेक्षक बना।
ऑप्शन ए है तुर्कमेनिस्तान, बी है उज्बेकिस्तान, सी है लीबिया और डी है जॉर्डन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है तुर्कमेनिस्तान। देखिए हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिलिंग ने तुर्कमेनिस्तान को प्रेक्षक का दर्जा दिया है, और WTO की जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी, और विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो है ये वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, और ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जो WTO है वो किस प्रकार का संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको ये याद करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, बी है आलोक रंजन, सी है मधुसूदन और डी है लक्ष्मीकांत ओझा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नया प्रबंध निदेशक, MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया है, और इनका कार्यकाल जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, और पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है चीन, बी है रूस, सी है जर्मनी और डी है फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है रूस। देखिए हाल ही में रूस ने एक ये होगा MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है, और इसका उत्पादन जो है वर्ष 2021-22 तक निर्धारित है। चलिए बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजेश जैन, बी है रमापति सिंह, सी है रीवा गांगुली दास और डी है विजय ठाकुर सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है रीवा गांगुली दास। देखिए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर सेवा दे रहे रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है, और रीवा गांगुली दास 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या फिर CCI के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रवि मल्होत्रा, बी है सूरज सिंह, सी है आनंद रावत और डी है साहिल सेठ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है साहिल, यहाँ पर ये होगा साहिल सेठ। देखिए हाल ही में साहिल सेठ को वर्ष 2020 से 23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है, और साहिल सेठ जो है वो वर्ष 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, और ब्रिक्स CCI का लक्ष्य जो है वो दुनिया भर के युवा उद्यमियों और विशेष रूप से MSME सेगमेंट के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करना है। और चूंकि जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं सभी प्रस्तावित गतिविधियों का केंद्र बने हुए हैं, इसीलिए चैम्बर के अन्य मित्र देशों से भी युवा उद्यमियों से संपर्क कायम करने और उन्हें सक्षम बनाने की पहल की गई है, और यह संगठन युवा उद्यमियों की आवाज़ बनने की पेशकश करता है और उनके व्यापार को सफल बनाने में भी मदद करता है। अब देखते हैं क्या है ब्रिक्स CCI। देखिए ब्रिक्स CCI एक ऐसा मूल संगठन है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है, और इस चैम्बर की स्थापना जो है वर्ष 2012 में प्रख्यात उद्यमियों और पेशेवरों के प्रयास से की गई थी, और यह एक गैर लाभकारी तथा गैर सरकारी संगठन है। जो ब्रिक्स देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है, जिसमें बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रूस या रशिया, और आई का मतलब है इंडिया, और सी का मतलब है चीन, और डी का ओ सॉरी एस का मतलब है दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक लाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है झारखंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है हरियाणा। देखिए हरियाणा में पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, और यह व्यवस्था 2021 में होने वाले पंचायत चुनावों से शुरू होगी, और हरियाणा सरकार के इस फैसले की जानकारी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 12, बी है भाग 15, सी है भाग 17 और डी है भाग 19। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए,
कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।